जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल ने गुरुवार को जिला कारागार पहुंचकर रूटीन चेकिंग किया। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी शलभ माथुर, सीजीएम के सिंह सहित जेल अधीक्षक और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कैदियों को मिल रही दवाओं, भौतिक सुविधाएं, किचन की व्यवस्था, रोटी बनाने वाली मशीन, सीसीटीवी कैमरा, विदेशी कैदियों के लिए सुरक्षा, महिला कैदियों एवं उनके बच्चों की काउंसलिंग के अलावा सबसे प्रमुख शहीद राम प्रसाद बिस्मिल स्मृति द्वार को पुनः खोले जाने सहित अन्य व्यवस्थाओं की चेकिंग की तथा व्यवस्थाओं की सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जिला जेल में कुल 1931 कैदी निरुद्ध हैं, जिसमें 7 बच्चे भी हैं, 18 से 20 वर्ष के 40 से 50 कैदी हैं, 2 विदेशी कैदी भी जिला जेल में बंद है, जिसमें 1 जर्मन तथा 1 नाइजीरिया का कैदी है। डीएम ने बताया कि ऐसे कैदी जो बीमार हैं उनकी रिहाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया कंधे सर, सलामी सर, कौन कंधे सर, ये रूटीन इंस्पेक्शन है जो आप जानते हैं, जज साहब और पुलिस विभाग और हम लोग तीनों लोग मिलकर के 3 महीने के एक बार तो निरीक्षण तो कराना होता है। उसी के दौरे पे हम लोग गहराई से निरीक्षण किए हैं। टोटल 1931 कैदियाँ हैं यहाँ, और इस पे 7 बच्चे भी हैं, और जो 18 से 21 का ऊपर का जो लड़के हैं वो भी करीब 40-50 का संख्या में है। छोटी छोटी समस्या है वैसे, यहाँ मान लीजिए यहाँ से जो रेफ़र करने में जो उन लोग का सुविधा, वहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कहीं एमआरआई स्कैन नहीं हो पा रहा है, छोटी छोटी समस्या, वो हम लोग बात करके सॉल्व करा दिया। और कुछ ऐसे भी समस्या है, मान लीजिए यहाँ बिल्डिंग टपक रहा था, उसका बजट अलाट हो गया, उसका काम तो चालू हो गया। दूसरा चीज़ आप जानते हैं जो राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो है स्मारक है, उसका अलग कराने के लिए योजना चल रही है, उसको भी विचार किए। उसके अलावा जो हर कैदियाँ का इंडिविजुअली जज साहब ने बात किए, उनका बेल कौन दे रहा नहीं दे रहा, व्यक्तिगत मान लीजिए 2-3 फॉरेनर भी अंदर, एक जर्मन का कैदी अंदर बंद है, वो काफ़ी साल से उनका जमानत नहीं मिल रहा, नाइजीरिया से कैदियाँ बंद है, जमानत नहीं मिल रहा, उनसे भी तो उन व्यक्तिगत रूप से बात किए, उनका समस्या हल करने के लिए आगे रास्ता बढ़ा रहे हैं। एक मामूल इंस्पेक्शन है, रूटीन इंस्पेक्शन है, इस पर जो भी फिर यहाँ अंदर जो रोटी बनाने के लिए मशीन है वो भी ख़राब पड़ा है, पिछले 2 महीने पहले से एक मशीन आया हुआ है, वो कंसर्न एजेंसी से बता करके हम लोग रोटी बनाने की मशीन भी नया लगवा रहे हैं उसको। सीसीटीवी कैमरा टोटल 21 चल रहा है, वो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, और बाकी जैमर का काम भी हम लोग देखा है, जैमर ये दोनों चीज़ तो चल रहा है, बाकी चीज़ तो ठीक है, ठीक मिला। हाँ महिलाएँ बहुत हैं, बच्चे 7 बच्चे हैं यहाँ, उन लोगों का दूध ईद सारे हम लोग दे रहे हैं, बट उन लोगों को जमानत नहीं मिल पा रही, वो हम लोग के हाथ में नहीं होता, कोर्ट डिसाइड करेगा, तब कोर्ट के माध्यम से जमानत मिल जाएगा तो उन लोग छूट जाएंगे। तब तक इन लोगों का पढ़ाई का व्यवस्था अंदर, एक जो इन लोगों का खेलने के लिए भी और क्रीच भी एक बना हुआ है बच्चे का, आपस में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए और खेलने के लिए भी व्यवस्था है, वो सुविधा दे रखा है। हमारा कंसर्न यहाँ का जो टीचर है रिटायर्ड हो गए, यहाँ जो पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए आते थे वो टीचर, उनके जगह अब बीएससी के कह करके एक नया टीचर लगाना पड़ेगा, ताकि कुछ लोग इंटर भी है, कुछ लोग जो हाई स्कूल पास करते हुए अंदर आए हैं उनका पढ़ाई प्रभावित ना हो। अब वो शासन लेवल का निर्णय है, हम लोग प्रस्ताव जो कितने उपयोग है, मान लीजिए 1-2 लोग का पैरालिसिस मारा हुआ उनको भेज रखा है हम लोग, वो जो अंदर रहना बाहर रहने में कोई फ़र्क नहीं, कम से कम बाहर कोई मानव दृष्टिकोण से जो कितने लोग हैं बिल्कुल असहाय लोग हैं उन लोग का तो हम लोग रिहा के लिए भेज रखा है, बाकी चीज़ तो शासन लेवल से निर्णय।